लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कोहराम, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कोरोना मरीजों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, किसानों के लिए एक बड़ी बुरी खबर, नहीं होगा कर्ज माफ। घर लौट रहे मजदूरों के लिए बड़ी खबर, SBI ग्राहकों को बैंक ने दी एक और खुशखबरी। जल्दी जानिए कैसे मिल सकता है आपको फायदा। अब मॉल, सिनेमा, रिटेल शॉप और हाईवे खोलने की तैयारी में सरकार। भारतीय सेना की बड़ी कार्यवाही, 3 से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, 4 चौकियां भी ध्वस्त। अगले 5 दिनों में इन राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 59,662 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 1,981 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह है कि 17,847 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ जाए। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक बार की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने से अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगे। डिस्चार्ज पॉलिसी में मरीजों की देखभाल और उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही किस मरीज को किस तरह से इलाज मुहैया कराया जाना है ये भी नई डिस्चार्ज पॉलिसी में दर्ज है। नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज में अगर कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और 3 दिन तक बुखार नहीं होता तो उसे 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन मरीज को 1 हफ्ते तक सावधानी बरतनी होगी। किसानों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है, नहीं होगा कर्ज माफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कई सरकारों की ओर से किसानों की कर्ज माफी की गई, लेकिन मैं मानता हूं कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं। अब मॉल, सिनेमा, रिटेल शॉप और हाईवे खोलने की तैयारी में सरकार। लॉकडाउन में शराब के बाद अब शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर को खोलने की तैयारी को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। साथ ही ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। इन सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार नई गाइडलाइंस को तैयार कर रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परिवहन सेवा शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पिछले 3 दिनों से जारी पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना के 3 से 4 जवानों के मारे जाने की खबर है और 5 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। खबर है इस कार्यवाही में सेना ने 4 पाकिस्तानी चौकियों को भी ध्वस्त किया। भारत में दिखाया गया POK के मौसम का हाल तो बौखला उठा पाकिस्तान। पाकिस्तान की कब्जे वाले POK के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम का हाल बताने वाली रिपोर्ट देने वाले भारत के कदम को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत द्वारा पिछले साल जारी किए गए कथित राजनीतिक नक्शों की तरह उनका ये कदम भी कानूनन निरर्थक है। मॉनसून आने में अभी समय है, लेकिन मौसम ने करवटें लेनी शुरू कर दी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी से राहत मिल सकती है। देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बात दिल्ली की जाए तो यहाँ पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँचने को है, लेकिन रविवार को तापमान गिर जाएगा। पूर्वी भारत से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं राजस्थान में तेज हवाओं, ओलों और आंधी चलने की संभावना है। बिहार और झारखंड में प्री मॉनसून बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ मौसम रहने का अनुमान है। 10 से 13 मई के बीच में दिल्ली NCR में 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकती है। CBSE के एग्जाम होंगे इस तरह। इस सवाल पर डॉक्टर निशंक ने कहा कि स्वाभाविक सी बात है कि पहले जैसा माहौल कहाँ होगा। पूरी दुनिया इस समय समस्या से गुजर रही है, लेकिन भारत में जिस तरीके से इसका मुकाबला हुआ है उसे पूरी दुनिया सीख रही है। बदली हुई परिस्थिति में जो एग्जाम होंगे वो एकदम अलग तरह से होंगे। CBSE को निर्देश दिए गए हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एग्जाम हो। क्या ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा विकल्प हो सकता है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार चुनौतियों को देखते हुए तैयारी कर रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन और बाकी देशों में चल रही तनातनी के बीच में WHO ने आखिरकार मान ही लिया है कि कोरोना के फैलने में चीन की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने माना कि चीन की वुहान मार्केट कोरोना के प्रसार में बड़ी वजह है। अगर बच्चों में दिखे इस अनोखी बीमारी के लक्षण तो हो जाएं सावधान, तत्काल कराएं कोरोना टेस्ट। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक बुधवार को अमेरिका में 64 बच्चे पीडियाट्रिक मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती हुए, जिसका संबंध कोरोना से माना जा रहा है। इनमें से जिन बच्चों की खून की नालियों में सूजन और कोरोनरी आर्टरीज में सूजन पाई गई वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इनका शिकार न्यूयॉर्क में एक भारतीय मूल का बच्चा भी है।
केंद्र सरकार की सॉवरेन बॉन्ड योजना के तहत सोने की कीमत 4,590 रुपए प्रति ग्राम तक तय की गई। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को इसकी कीमत 50 रुपए ग्राम की छूट मिलेगी। आप 11 मई से 15 मई 2020 तक खरीदारी कर सकते हैं। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी घटनाओं को लेकर जनरल वीके सिंह ने कहा कि वाक्य होते हैं, होते रहेंगे, तूल देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से इन दिनों तनाव को लेकर जनरल वीके सिंह ने कहा कि पूरा कश्मीर भारत का है और पीओके भी हमारा हिस्सा है, वो एक दिन हमारे पास जरूर आएगा। राजस्थान में शनिवार सुबह 9 बजे तक कोरोना के नए 57 केस सामने आए हैं, जिसके साथ राज्य में मरीजों की संख्या 3,636 हो गई। बता दें कि राजस्थान में कोरोना की चपेट में आकर 103 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन से कमाई के मोर्चे पर नुकसान झेल रहे राज्यों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी। राज्यों ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उनके कुल राजस्व का करीब 15% हिस्सा शराब पर लगे कर से आता है। मौजूदा हालत में उनकी कमाई का एक लौता जरिया है। इस दौरान राज्यों को एक दिन में औसतन करीब 679 करोड़ रुपए की चपत लगी है। दिल्ली से बिहार भेजे गए 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल किराए को लेकर आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूर शुक्रवार को विशेष रेल से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। एयरटेल ने 3 नए सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं, जो कि है 99, 129 और 199 रुपए के। एयरटेल के 99 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में यूजर्स को टोटल 1 GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री कॉलिंग और 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिन की है। समुद्र सेतु के तहत ये पहली यात्रा है जिससे भारतीय अपने वतन लौटेंगे। INS जलाश्व माले से केरल के कोची पहुंचेगा। इंडियन नेवी के अनुसार माले से रवाना हुए INS जलाश्व में 698 लोग आ रहे हैं। इनमें 19 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं और कुल 698 यात्रियों में से 595 पुरुष और 103 महिलाएं हैं। पंजाब पुलिस और NIA ने एक बड़े ड्रग तस्कर रंजीत सिंह और चीता को गिरफ्तार किया। इस तस्कर को गिरफ्तार करने में 3 एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इस कार्यवाही में पंजाब की अमृतसर पुलिस, NIA और हरियाणा पुलिस शामिल हैं। तीनों एजेंसियों ने हरियाणा के सिरसा से ये गिरफ्तारी की। पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई 532 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के मामले में की। अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दान देने वाले लोगों को अब वित्तीय वर्ष 2021 से आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर में छूट दी जाएगी। इस ट्रस्ट की स्थापना 5 फरवरी को हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। SBI ग्राहकों को बैंक ने दी एक और खुशखबरी। शुक्रवार की शानदार सुबह आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लॉकडाउन के बीच में राहत दे रहा है। बैंक ने मौजूदा ब्याज दरों में फिर से कमी करने का फैसला किया। नई दरें 10 मई से लागू होगी। SBI द्वारा ब्याज दर घटाने का सीधा फायदा उसके बैंक लोन की मासिक किस्त पर होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।